नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना व्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। डिलीवरी बॉय ने कबूला इस्लाम, परिवार के गंभीर इल्जाम। सुभाष नगर में मणिनाथ निवासी आकाश मौर्य पार्सल डिलीवरी का काम करता है। वह 4 दिन पहले पत्नी और 3 माह की बेटी को छोड़कर इज्जत नगर में मठ लक्ष्मीपुर निवासी दूसरे समुदाय की प्रेमिका के पास चला गया। आकाश ने फेसबुक आईडी पर अपनी फोटो को स्टेटस पर लगाते हुए लिखा कि आज मैं मुसलमान हो गया। उसके इस्लाम मजहब कबूल करने का स्टेटस लगाने पर परिवार में हड़कंप मच गया। सोमवार को परिजन सुभाष नगर थाने पहुंचे और उसकी प्रेमिका पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने समेत कई गंभीर इल्जाम लगाए। आकाश की मां और पत्नी का कहना है कि पार्सल डिलीवरी के दौरान दूसरे समुदाय की युवती ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अब फोन पर धमकी दे रही है कि अगर कुछ किया तो उसके टुकड़े करवा दूंगी, ना तेरा रहेगा और ना मेरा। मामले में सुभाष नगर पुलिस जांच में जुट गई है। लक्ष्मी मौर्य, बताओ क्या हुआ है, क्या बात है? मेरे पति 4 दिन से घर नहीं आए हैं और आते थे पहले कभी कभी, तो बस धमकी दी जाती थी मुझे कि तेरे पति को जान से मार दूंगी, तुझे जान से मार दूंगी, अगर ज़्यादा जबरदस्ती की तो इसके टुकड़े कर दूंगी। हुआ क्या है आपके पति के साथ, क्या हुआ सामने देख के बात कीजिए, पूरी बात बताइए। किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा। कौन है, क्या है, किस धर्म की है, क्या है? शायद उसका नाम सवाना खान है, लेकिन पूरा नहीं पता। वो मुझसे सवाना खान से ही बात करती थी। मुस्लिम है वो? जी। क्या लग रहा है आपको? जी, मुझे कहा जाता है कि उसने धर्म परिवर्तन करा लिया है और उसने हिंदू से मुस्लिम बना लिया। उसमें वीडियो वायरल हुई है और कह रहे हैं उस पर लिखकर कि मैं आज मुसलमान बन गया। जॉब करते थे मीशो कंपनी में, उसके पार्सल आते थे। अब ये आगे क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसी बहाने से उनकी मुलाकात हुई थी। मेरा सपना मौर्य नाम है। क्या हुआ, क्या, क्यों आए आप लोग? हम इसलिए आए, मेरा बेटा 4 दिन से घर नहीं आया है, मगर उसको धमकी मिलती थी व्हाट्सएप कॉल पे। धमकी दे रहे थे, उसके पीछे कोई खड़ा था मगर वो कह नहीं पा रहा था। पर वो स्कूटी लेने गया था, कोई मोमडन भी साथ गया था एजेंसी पे, साथ था। उसके पीछे धमकी दे जा रही, इसलिए मेरा बेटा बोल लिया उनके उसके खिलाफ। बहुत ज़्यादा परेशान है मेरा बेटा। हाँ, जान का खतरा है। योगी सरकार से हम विनती करते हैं, उसने टुकड़े करने की बातें करी है, उसमें सवा खान ने धमकी दे रही है पूरे घर को मारने के लिए। मदरसे की छात्रा ने इस्लाम छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म। एक मदरसे की छात्रा ने इस्लाम मजहब छोड़कर हिंदू धर्म में प्रवेश कर लिया। उसने खुद को बालिग बताया है, जबकि मां का कहना है कि उनकी बेटी नाबालिग है। लड़की का नाम इफ्रा है। वह रामपुर रोड पर सोले नगर की रहने वाली है। सोले नगर में स्थित एक बड़े मदरसे में पढ़ी है। हिंदू धर्म अपनाने वाली इरफा ने खुद को बालिग बताकर जिस लड़के से मणिनाथ के अगस्त मुनि आश्रम में विवाह किया है, वो भी सोले नगर के पास के ही मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है। लड़की की मां ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिसमें उनका कहना है कि मदरसे में लिखाई गई उम्र के मुताबिक इरफा का जन्म 2007 में हुआ है। इस तरह वो अभी 16 साल की है, जबकि उसके आधार कार्ड पर पैदा होने का साल 2002 है। दोनों में 5 साल का फर्क है। खैर, किला पुलिस सच पता करने के लिए तफ्तीश में जुट गई है। आईजी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी की कोशिश। पहले अंतर्राष्ट्रीय शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी, फिर आंवला से भाजपा के सांसद धर्मेंद्र कश्यप और अब बरेली रेंज के आईजी डॉक्टर राकेश सिंह की फर्जी फेसबुक आईडी बना ली गई। इसके बूते ठग आईजी के करीबी लोगों व अन्य लोगों से मैसेज करके पैसे मांगने की कोशिश में लगे थे। मामला संज्ञान में आने के बाद आईजी भी हैरान रह गए। उन्होंने साइबर थाने को सूचित किया। वहां रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आईजी ने अपनी तरफ से एक मैसेज करके लोगों को सचेत किया है, ठगों के झांसे में न आने का आग्रह भी किया है। साइबर सेल प्रोफेसर वसीम बरेलवी और आंवला सांसद से जुड़े मामले में पहले ही जाँच कर रही है। हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर में भिड़ंत हेल्पर की मौत। जिला शामली के गांव जमालपुर निवासी अरविंद के भाई संजय हेल्पर थे। वे रविवार देर रात सीतापुर से ट्रक में लकड़ी का बुरादा भरकर जगाधरी जा रहे थे। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर फरीदपुर थाना क्षेत्र में पचौमी अड्डे के पास ट्रक की ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। हादसे में संजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर भीम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जाम खुलवाया। विवाहिता की जलकर मौत, सेल टैक्स कर्मी पति गिरफ्तार। थाना इज्जत नगर में रजत विहार कॉलोनी निवासी दिनेश कुमार मानसिक अस्पताल के कर्मचारी हैं। उन्होंने 2019 में 24 वर्षीय बेटी आकांक्षा की शादी थाना बारादरी थेत के दुर्गा नगर निवासी सेल्स टैक्स में क्लर्क अशोक के साथ की थी। शादी में करीब 10 लाख रुपए खर्चा भी किए थे। दिनेश का आरोप है कि अशोक और उसके परिजन दहेज के लिए आकांक्षा को परेशान करते थे। बेटी आकांक्षा को दामाद अशोक, सास शांति, देवर प्रदीप और ननद
गीता ने रविवार को गैस से जला दिया, फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गए, जहां सोमवार सुबह आकांक्षा की मौत हो गई। मामले में बारादरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश ने बताया कि अशोक का भाई लखनऊ में कांस्टेबल है। बड़ा बाजार की प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग। किला थाना क्षेत्र में बड़ा बाजार की खैरुल्ला गली में वरदान प्रिंटिंग प्रेस में सोमवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें मॉडल टाउन निवासी मनोज कुमार का स्टेशनरी का गोदाम बना है, इसलिए कुछ ही देर में दुकान आग का गोला बन गई। इससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदारों ने मोटर चलाकर पाइप की मदद से आग पर काबू पाया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। FSO संजीव कुमार ने बताया कि आग लगने के सही कारणों की जाँच की जा रही है। युवती की नहीं हुई शिनाख्त, पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार। कैंट इलाके में 20 नवंबर को 22 वर्षीय युवती का शव आम के बाग में पड़ा मिला था। उसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने 5वें दिन सिटी शमशान भूमि में उसका अंतिम संस्कार करा दिया। मामले में पुलिस अब ऑनर किलिंग के एंगल से जांच कर रही है। साथ ही शव मिलने वाली जगह के आसपास के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। 34 ग्राम अफीम और 100 ग्राम चरस के साथ 2 गिरफ्तार। किला पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलकनाथ मंदिर के पास से हार्टमेंट ग्राउंड निवासी कुशल गुप्ता को 34 ग्राम अफीम और आनंद विहार कॉलोनी निवासी फहाद अहमद को 100 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों को NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। कूड़ा फेंकने गई युवती के साथ मारपीट, मुकदमा दर्ज। सुभाष नगर में ऊंचा गांव निवासी तेजपाल की भतीजी लवली कूड़ा डालने के लिए घर के बाहर गई थी। तभी रास्ते में प्रमोद कुमार, करणपाल, गौरवपाल, इंद्रदेव उर्फ टिंकू पाल ने कूड़ा फेंकने को लेकर युवती से अभद्रता करी। विरोध करने पर उसकी लाठी डंडों से पिटाई लगा दी। चीख पुकार सुनकर तेजपाल मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराने के बाद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। प्लाट पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष भिड़े, 3 घायल। सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव दौली रगबर दयाल में मोहम्मद फैजान, शकील अहमद और मुनव्वर हुसैन का प्लाट पर कब्जे को लेकर नदीम, अनीस और शाहिद से विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इसमें फैजान, शकील और मुनव्वर घायल हो गए। घायलों ने दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करी है। क्रिसमस पर गुलजार रहे चर्च, गले मिलकर दी बड़े दिन की बधाई। 24 दिसंबर की रात घड़ी में 12 बजते ही घरों से लेकर चर्च तक क्रिसमस का सेलिब्रेशन शुरू हो गया, जिसका मसीह समुदाय के लोगों को साल भर बेसब्री से इंतजार रहता है। 12 बजते ही शहर के चर्च में प्रभु यीशु के जन्म लेने का संदेश प्रसारित किया गया। वहीं सुबह चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें मसीह समाज की महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नए कपड़े पहनकर और सज सवर कर लोग चर्च पहुंचते रहे, जहां कैरोल के संगीत के बीच एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करने का सिलसिला चलता रहा। चौकी चौराहा स्थित चर्च में क्रिसमस पर मेला लगा। लोगों ने चर्च में प्रेयर और कैंडल जलाने के बाद मेले का आनंद लिया। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।